शहीद भगत सिंह वेलफेयर क्लब की ओर से पिछले कई दिनों से राशन वितरित किया जा रहा है। आज क्लब के पदाधिकारियों ने 60 प्रवासी परिवारों को राशन बांटा। ये परिवार हाइड मार्केट के नजदीक रहने वाले थे। क्लब की ओर से पहले राशन बांटने वाले स्थान को सैनिटाइज किया गया। क्लब के पदाधिकारियों में गुरिंदर ऋषि व सरबजीत सिंह शेंटी ने कहा कि अभी तक 3300 के करीब लोगों को राशन बांटा जा चुका है, जबकि 5000 परिवारों को 14 अप्रैल तक राशन बांटने का उद्देश्य है। देखो जी, शहीद भगत सिंह वेलफेयर क्लब पहले दिन तो 23 मार्च जो कि भगत सिंह का जन्मदिन से शहीदी दिन से भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का, उस दिन तो असी मुहिम में शुरुआत की थी। साड़ी इस मुहिम की शुरुआत करने का मकसद सीगा कि असी लड़ाई की जी लड़ाई है कोरोना नाल, असी तकरीबन अज 3334 परिवारों नूं राशन वंड चुके परिवारों नूं, और साडा राशन वंडन का तरीका जिहड़ा है वो सारिया समाजिक संस्थावां नूं यही है कि घट्टो घट्ट साडी जी लड़ाई है वो भुखमरी नाल नहीं है, साडी लड़ाई है कोरोना नाल। सारियां घरां दे घर सरकारां लगियां, काउंसलर लगे ने, एमपी लगे, एमएलए लगे, विपक्ष पार्टियां लगियां ने, सत्ता पक्ष लगे ने, बाबे लगे ने, ऐसे हम राशन हर घर पहुंचाया। लेकिन फिर भी जेकर संस्थावां नूं कोई मंग करता है तो सब तो पहला उहदी घोख कीती जाए, उस तो बाद उन्हां नूं इस तरह ही पंक्चुअल 2-2 मीटर का डिस्टेंस बना के खड़ा किया जाए, फिर उस तो बाद उन्हां नूं सैनिटाइज किया जाए, उन्हां नूं यह समझाया जाए जिहड़े सोशल मीडिया नैटवर्किंग दे उत्ते नहीं पहुंच पाते, जिहड़े व्हाट्सएप दे उत्ते नहीं पहुंच पाते, जिन्हां दे घरां च टीवी नहीं है उन्हां नूं माउथ पब्लिसिटी लई भी लोगों बाहर निकलना जरूरी है। एनजीओ नूं असीं उही तरीका अपनाया कि पहला सैनिटाइज किया, फिर उन्होंने एक एक महीने का राशन दिता ताकि तुसीं घरां दे विच रहो, असीं तुहाडे कोल आवांगे, किसी नूं अज मिलेगा, किसी नूं कल मिलेगा, किसी नूं परसों जरूर मिलेगा, गुरु की नगरी च कोई भुखा नहीं सो सकता, साडा इही मैसेज। धन्नवाद। अब शहीद भगत सिंह वेलफेयर क्लब वालों जी लगभग 60 के करीब परिवार ने जिहड़े प्रवासी सीगे जिन्हां दा इत्थे कोई भी नहीं हैगा और इत्थे फल फ्रूट का काम करते, रोजी रोटी रोज की कमाते, बड़े दिनों तो उन्होंने कोई पैसा भी नहीं कमाया और ना ही उन्होंने घर कोई राशन सीगा। साडा कोई वलंटियर सी पवन, उन्हें फोन किया भी भाजी इस तरह इत्थे परिवार बहुत परेशान ने, असीं उन्होंने कहने पर अज कोई 60 परिवारों नूं राशन वंडन आए हाँ। तुसीं देखदे होवोगे भी असीं हुण एक होर नवां टीचा मिथ्या है भी जिथे आपां राशन वंडन जाना पहले उस जगह नूं आपां पूरी तरह सैनिटाइज करांगे, सैनिटाइज की स्प्रे की जाती, साढ़े को बकायदा पंप ने, पंप नाल पहले सैनिटाइज की स्प्रे करांगे, उस तो बाद ही राशन वंडांगे। साढ़े क्लब का एक टीचा है जी जिहड़ा मिथ्या होया, आपां 5000 परिवारों नूं राशन वंडन का, जिहदे विचों लगभग 3000 तो 3500 परिवार ने जिन्हां नूं असीं राशन वंड चुके हाँ, और कोशिश इहो ही होएगी भी 14 तरीक तक लॉकडाउन तो पहले पहले जिथे जिथे राशन की लोड़ है, जिहड़ी गली जिहड़ी नुक्कड़ जिथे कोई गरीब दे अन्न मूँह च अन्न का दाना असीं पा सकते हाँ, साढ़े क्लब की इहो ही होएगी कोशिश भी उहदे मूँह च अन्न का दाना पा के असीं अपना धर्म निभाईए। और मैं तुहाडे चैनल के माध्यम के राही एक होर गल कहना चाहना वा भी असी ये सारी सेवा ये ना समझना भी शहीद भगत सिंह वेलफेयर क्लब कर रहे हैं, असी सिर्फ कोरियर का काम कर रहे हैं, सानू बहुत सेवा लोग देने वाले भी आते पे ने और अं अगे कोरियर का काम करके वरताई जाने। हाँ हूँ असी एक टीचा एक होर आप मैसेज देने पे हाँ भी जे किसी का पहले असी कॉल आती सी तो घर जाके आप बिना देखे राशन दे के आते ही, पर हूँ असी जी कॉल आएगी वो घर जाके बकायदा साडे वलंटियर देखणगे जाके वो घर राशन नहीं है क्योंकि सरकार वालों भी राशन बहुत आ गया और फैसला हूँ असी 14 तरीक तो बाद करांगे, जो भी अगों सरकार की मर्जी होएगी, जे तो चलो परमात्मा ने कृपा की जी प्रकोपी है ये चली गई फिर तो चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और असी परमपिता परमेश्वर अगे अरदास भी करते हैं भी जी महामारी जोड़ा है करोना का प्रकोप सारी दुनिया के उत्ते आया उन्होंने छेती तो छेती खत्म होगा, जो नहीं खत्म होएगा तो साड़ी कोशिश यही होएगी भी कोई गरीब भुखा ना रहे।